आज J27 स्टूडेंट्स को एक टिप दूंगा मैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। और ये टिप ये रहेगी कि यूजली आप अगर मेरी सीनियर वीडियोस देखते हो जो मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को देता हूँ, स्पेशली 12th के बच्चों को, उसमें मैं एक कॉमन सजेशन सबको देता हूँ कि आप प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान दो, राइट। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट्स और 9th के स्टूडेंट्स को मेरी एक थोड़ी सी उल्टी सजेशन रहेगी, स्पेशली अगर आपके आसपास कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका RMO आने ही वाला है या आपका IGSO आने ही वाला है या ऐसा कुछ सीन है, तो उस केस में यस, मेरी जो एडवाइस अभी मैं दूंगा वो सेंस नहीं बनाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक जनरल बात करें तो आपको 9th और 10th में थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो। कई बार क्या होता है कि देखो, वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन जो बच्चे 11th 12th का पढ़ना चालू करते हैं ना अर्ली, उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनसे कई सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं, स्पेशली JEE लेवल के, राइट। कि आप 10th में हो, आपने चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, सारी इक्वेशन समझ ली, सब कुछ आ गया आपको 11th का, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ठीक है। JEE मेन के फिर भी हो जाते हैं, एक आध NCERT के हो जाते हैं, एडवांस क्वेश्चन नहीं होते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपके पास अभी 2 साल से भी ज़्यादा है टू डू ऑल ऑफ दैट, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स आपके पास, राइट, 2.5 ईयर्स से ज़्यादा है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दैट प्रैक्टिस वाला जो आपका जो वो इंस्टिंक्ट है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अभी आपके हाथ में शायद थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉब्लम शायद हो सकता है आप ना कर पाएं, लेकिन थ्योरी हर एक बच्चा 9th 10th में समझ सकता है आगे की, राइट। सो यू शुड फोकस प्रोबेबली मोर ऑन दैट कि आप थ्योरी अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इवन थ्योरी भी अच्छे से समझ में अगर आ जाती है ना, जैसे केमिस्ट्री हो गई या फिजिक्स हो गई, तो उससे भी बहुत हेल्प होती है आगे, ठीक है। आधे बच्चे के बाद में 11th में जाकर उनको थ्योरी समझ में नहीं आती, क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे। अब आपने 10th 10th में चलो ज़्यादा नहीं तो आपको एटलीस्ट थ्योरी तो पता है, आपसे रोटेशन के चलो क्वेश्चन नहीं होते, कोई बात नहीं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी तो एटलीस्ट पता है कि क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, डेरिवेशन क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर पता है, इनसे आगे बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फिर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बाद में धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन एक थ्योरी की पकड़ बनाना मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता है। आप एक स्टोरी बुक की तरीके से कुछ बुक्स जैसे NCERT हो गई, HC वर्मा हो गई, ये तो रीड करने में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कई बार जैसे मुझे याद है जब 9th 10th में HC वर्मा करता था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं भी होते थे, लेकिन थ्योरी में अवश्य पढ़ता था, अवश्य समझ जाता था। तो उससे क्या लेयर्स में प्रिपरेशन होती है, पहले थ्योरी आधी समझ आई, एक और बार किया थ्योरी पूरी आ गई, कुछ क्वेश्चन होने लग गए, तीसरी बार किया सारे क्वेश्चन होने लग गए, राइट। तो इस तरह से लेयर्स में चीज़ चलती है। सो फॉर नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, देखो अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे, जो काफ़ी बच्चों के साथ होगा, देन इवन रीडिंग थ्योरी गोज अ लॉन्ग वे एंड यू आर मच अहेड ऑफ 99% JEE एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो ये मेरी एक टिप थी कि अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, एक बार के लिए थ्योरी पे ध्यान दे दो, और हेल्प चाहिए कि आपसे प्रॉब्लम्स भी हो पाएँ और फटाफट से अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन 9th 10th में ही कर लें, तो मेरे J27 कोर्स में आपको तुरंत एनरोल होना चाहिए यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस पर आपको 12 सितंबर यानी आज रात तक एक बहुत प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है। यू कैन गेट इन दिस कोर्स फॉर जस्ट ₹3,000, ओके। और ये कोर्स आपका 11th के लगभग कुछ महीने और अंदर तक चलेगा, जिसमें आपकी पूरी 9th 10th कवर होगी, रिवाइज होगी पूरी, और आपको सारे ओलंपियाड्स का तैयारी हो जाएगा, एंड 11th 12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहले से सीख जाओगे। एंटायर करिकुलम इज डिजाइंड बाय मी एंड उसमें कई चीज़ें मैंने खुद भी कवर की है। तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000 में यू कैन बिकम अ टॉपर बिफोर यू एंटर क्लास 11th, ओके। सो गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट वॉज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।